धार जिले के पीथमपुर में 200 किलोमीटर इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट बंद हो गया है। बंद होने का कारण केंद्र सरकार के पास बजट न होना बताया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने काम बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में रेलवे के इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट को भी बंद किया गया है। वहीं पीथमपुर में बन रही 3 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग टनल का काम भी बंद हो गया है। सुरंग का काम बंद कर रही निर्माण कंपनी के अधिकारियों का दो टूक जवाब आदेश के बाद ही काम बंद किया गया है। सुरंग का काम बंद होने के कारण बड़ा हादसा होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। 150 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सुरंग 1.5 किलोमीटर बन चुकी है, जिस पर करीब 80 करोड़ खर्च हो चुका है। वहीं अगर सुरंग पूरी तरह नहीं बनती है तो सुरंग धंसने का अंदेशा जताया जा रहा है। सुरंग में बारिश का पानी घुस रहा है। सुरंग के ऊपर से महू नीमच मार्ग और घनी बस्ती की बसावट है। ऐसे में अगर सुरंग धस जाती है तो बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, ये जो दाहोद इंदौर रेल लाइन परियोजना थी उसको तत्काल अभी बंद करने का आदेश हुआ है। ठेकेदार ने भी जो है सामान समेटना शुरू कर दिया है। क्या लगता है, क्या नुकसान है उससे, कितना? इससे दो नुकसान होंगे। एक तो जो काम किया है वो वेस्ट हो जाएगा, सुरंग धस सकती है। सुरंग के ऊपर जो सड़कें बनी हुई, जो मकान बने हुए वो धस सकते हैं। अभी बारिश इतनी तेज़ हो रही है, सुरंग में पानी भरा गया है, उसको पंप निकालना था, पंप के लिए मोटर भी निकाल दिए। अब ये है कि इसमें करीबन 100 करोड़ के ऊपर खर्चा तो हो चुका है। अब वो खर्चा तो वेस्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि जो वेस्ट हो गया खर्चा उसको समेटे, और थोड़ा बहुत काम बचा था 50-60 करोड़ का, वो अगर कर लेते हैं तो आज धार इंदौर के बीच कनेक्शन हो जाता, कनेक्टिविटी मिल जाती। लेकिन ये केंद्र सरकार की दूरदर्शिता की वजह से इस परियोजना को बिना देखे बंद कर दिया गया। मैं जानता हूँ कि कोरोना के कारण पूरा आर्थिक नुकसान पूरे देश में हो गया है, पर जहाँ पे जरूरी है वहाँ काम तो करना चाहिए, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठाना चाहिए। कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। आपका पूरा नाम बता दें? डॉक्टर दीपक नाम। ये परियोजना को बंद करने से लाखों आदिवासी बेरोजगार हो जाएंगे और इस क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। और ये वर्षों पुरानी मांग को नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि मैं पूरा करूँगा। आज दूसरे रोड़ों के भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज जी चौहान, वो भी सब दूर मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन का काम चालू कर रहे हैं और रेल का काम बंद करके ये बहुत बड़ा है। आदिवासियों के साथ विश्वासघात हो रहा है। आज वो सुरंग में करीब 85 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और सुरंग में करीब 10 फुट पानी भर चुका है। ठेकेदार अपनी सब सामान निकाल रहा है और वो धस जाएगी। उस पर हाईवे रोड चल रहा है, रतलाम उज्जैन रोड सब हाईवे रोड है पूरा, और हाईवे रोड से पूरा धंसने पे 85 करोड़ रुपए सरकार के बर्बाद हो जाएंगे, जबकि आधा सुरंग बन चुकी है और सरकार इसको बंद कर दी है। जबकि हमारे सांसद छतर सिंह दरबार और दामोर भाई ये बोलते थे कि हम इसको किसी हालत में बंद नहीं होने चाहिए। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जागो और इसको रेल का काम पूरा करो। ताई इसके लिए भिड़ी हुई है, लेकिन ताई ने भी अभी कल ही उनको लेटर लिखा है, लेकिन लेटर लिखने से अब लगता है कि हमको जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। एक तरफ रोड़ों का बना रहे हैं, रोड़ों के जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विकास की यहाँ रेल लाइन का चलता हुआ काम बंद कर दिया। ये बड़ा दुख की बात है। यहाँ के नेताओं का इस पर लगता है कि इनका ध्यान नहीं है, केवल वोट मांगने की बात करते हैं और विकास की ओर ध्यान नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इस आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करें। इस पूर्व में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास करा था और उनके काम बंद करने के बाद नरेंद्र मोदी जी 2 बार कुक्षी आए। उन्होंने चुनाव के समय भी कहा था ये रेल लाइन पूरी होगी और हम करेंगे, और उन्होंने काम भी चालू कर दिया और एकदम कोरोना के अभाव के कारण उसका आड़ लेके बंद कर रहे हैं। और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का काम प्रारंभ कर रहे हैं कल से, और वो मेट्रो ट्रेन का कार्य प्रारंभ कर रही है, और इस आदिवासी क्षेत्र के लिए ये सब पूरा काम बंद कर रही है। कैसे काम चल रही है? और जबकि आदिवासियों की भरपूर संपदा पड़ी हुई है और आदिवासी पलायन जो होगा, जो कोरोना के अभाव के कारण दूर दूर चले गए थे, वो वापस यहाँ आ गए और अपने क्षेत्र में बैठे हुए हैं। उनको रोज उनका क्या होगा?
आपका नाम बता दें पूरा। पवन जैन गंगवाल, केंद्रीय अध्यक्ष रेल लामा समिति। हम अब आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।